एम्स्टरडम मेरे भाई किसी के वहां बुड्ढे भी नशे कर रहे हैं, वहां मैंने देखा बुड्ढे बुढ़े लोग माल फूक के भाग रहे सड़क पे, उनके कोई कैल्शियम की कमी नहीं हो रही। एक तो मुझे वहां पे भी मैंने हल्का सा फूका, मुझे पता चला कि इंडिया में तो बूट पॉलिश ही दे रहे हैं। एम्स्टरडम के आगे कोई जगह थी, वहां पे सुंदर सुंदर सी विंड मिलती है, वहां पे हमने फूका, मैंने तो इतना सही फूका था। तो पहले तो विंड मिल बंद थी वो, फिर जो वो घूमी ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे एक साथ घूमने में मजा आ गया। बैग चोरी हो गया हमारा, पहले दिन हो गया था आते ही, वापस मिल गया, पासपोर्ट मिल गया, लैपटॉप मिल गया, वो आदमी सिर्फ कैश लेके चला गया। और है डायरी तो मेरे पास, मेरा बैग नहीं था, अंकुर भाई का बैग चोरी हुआ, अंकुर भाई में डायरी नहीं थी, रहती गंदा था उसमें। और चोरी मतलब ट्रेन में चोरी हुआ, एम्स्टरडम से हम फ्रैंकफर्ट जा रहे थे शो करने, तो पहले स्टेशन पर चोरी हो गया, तो फिर चोरी भी क्या हो गया यार, हम बैठे हुए यहां से ले गया बंदा, हमें बहुत देर तक तो समझ में नहीं आया कि चोर होशियार है कि हम फुद्दू हैं, यहां से कौन चोरी करके ले जाता है यार। वो तो एक घंटे बाद अंकुर भाई ऐसे बोले कि थोड़ा रद्दी गंदा हो जाए, फिर उन्होंने देखा तो रद्दी ना गंदा जा चुका था सब। एक तो चोरी जहां हुआ ना, पहले स्टेशन पर चोरी हुआ एम्स्टरडम से निकलती, और हमसे उस स्टेशन का नाम ही नहीं लिया जा रहा, हम ये नहीं पता हमारे चोरी का हुई है, हम कह रहे इन द ट्रेन फर्स्ट।